सो गाइज़, यहाँ पर बहुत लोगों का एक डाउट रहता है कि सब्सक्राइबर कैसे हाइड करें, तो बहुत लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर हाइड नहीं कर पाते हैं, तो मैं यहाँ पर आप बताने वाला हूँ आपको सब्सक्राइबर हाइड कैसे करें। तो फटाफट इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। तो गाइज़, यूट्यूब हर महीने अपडेट लाता रहता है, तो उसलिए मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना चुका हूँ दूसरे चैनल पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात करते हैं कि सब्सक्राइबर हाइड करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट बताते हैं सब्सक्राइबर हाइड करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा आपका यहाँ पर ये होने वाला है कि अगर आपका न्यू चैनल है, मान लीजिए आपने अभी न्यू स्टार्ट किया है, आपका एकदम नया नया चैनल है, अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, मान लीजिए 100 से कम है, तो वो जो काउंटिंग है वो आपको देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आपके सब्सक्राइबर 100 से कम है तो वो आपको काउंटिंग जो है आपको भी अच्छी लगेगी, और आप चाहे जितनी अच्छी वीडियो बना लो, जो व्यूवर्स आएंगे, जो आपके सब्सक्राइबर होंगे, वो ये इस वीडियो को नहीं देखेंगे, बोलेंगे ये तो न्यू यूट्यूबर है, इसके पास क्या ही नॉलेज होगा। तो यहाँ पर जो पब्लिक का माइंड सेट होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, आपको बताता हूँ मैं। अगर पब्लिक का माइंड सेट अगर देखें, अगर मैं खुद अपने आप को एक यूट्यूबर की वीडियो पर रखूँ, तो अगर उसका 1 मिलियन या फिर 1 लाख है तो मैं उसकी वीडियो देखूँगा, बट अगर उसका 100, 150, 200, 500 सब्सक्राइबर है तो चाहे जितनी अच्छी वीडियो बनाएगा वो मैं उसको नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं उसके सोचूंगा भाई अभी इसके पास क्या ही नॉलेज होगा, तो चलो उस यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं जिसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो, जैसे 10K से 100K अगर होगा उसका, तो मैं वो उसकी वीडियो देखूंगा। तो इसी सब के बारे में बताने वाला हूं, और आपको बताऊंगा कि कैसे सब्सक्राइबर को हाइड करते हैं अपने क्रोम पे ले जा कर के, आपको सारा कुछ क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रोम पे चले जाना है। तो गाइस, अगर आप क्रोम पे नहीं जाना चाहते, तो अगर आपने पहले से साइन इन करके रखा है, तो क्रोम का जो भी आपका है उसको आप होम स्क्रीन पे सेट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब का स्टूडियो होम स्क्रीन पे सेट कर रखा हूँ, जैसे ऐप होता है, तो यहाँ पर फटाफट उसमें जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल पर जाना है, अगर आपने साइन इन नहीं किया तो आप पहले साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है, आपको नीचे एक सेटिंग दिख रही होगी, तो गाइस मैं बिल्कुल 1 मिनट दिखाता हूँ। आप जब नीचे देखोगे तो आपको एकदम लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे एक सेटिंग होगी, जहाँ पर आपको लिखा होगा जर्नल करके, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे नीचे, अपलोड्स जो भी है, डिफ़ॉल्ट, और उसके बीच में आपको जर्नल होगा। जर्नल पे आप जब क्लिक करोगे तो एडवांस सेटिंग पे अगर आप जाओगे, तो सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिस्प्ले करके जो भी है, यही है सब्सक्राइबर हाइड करने का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये हाइड हो जाएंगे आपके सब्सक्राइबर, सॉरी दिखने लगेंगे, अगर आप इसको हटा देते हो तो आपके सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर दिखा रहा हूँ, तो थोड़े ही हैं बट मैं दिखा रहा हूँ। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।